उनको इमरान खान से डरना चाहिए। तो इतनी ज्यादा पॉलिटिकल अवेयरनेस कहाँ से आई आपको? कोई भी एक्टिंग कर ले सर चलेगी, किसी को भी कॉपी कर ले चलेगा। साइड पे मीडिया की साइड पे आना चाहिए, मैं तब भी इसके साथ हूँ। अगर ये डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बनना चाहती हूँ, मैं तब भी इसके साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं परीशे। परीशे का तारुफ सिर्फ इतना है कि आप इसे किसी भी टॉपिक पर बात करवा लें, ये आपको ऐसे ऐसे जवाब देगी कि आप यकीनन इसकी उम्र देखकर उसके जवाब सुनकर मुतासर होंगे। परीशे की पूरी फैमिली हमारे साथ मौजूद है। फैमिली को बिठाने का मकसद ये है कि हम जानें कि परीशे को इतना ज़्यादा टैलेंट बाप की तरफ से मिला या वालदा की तरफ से मिला। तो पहले परीशे से बात करेंगे और उसके बाद उसकी मदर और फादर से भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा परीशे, सबसे पहले तो आपकी वो हमने वीडियो देखी थी जो आपने इमरान खान साहब के लिए बनाई थी, और उसके बाद हम आपको देखते हैं कि टिकटॉक पे भी आप ज़बरदस्त किस्म की जो एक्टिंग है वो करती हैं। तो ये एक्टिंग आपने कहाँ से सीखी है? इमरान खान की तकरीरों से सीखी है या किसी और चीज़ से सीखी है? इमरान खान की तकरीर से तो नहीं सीखी। वैसे मुझमें ना एक ना एक्टिंग से भरा, तो मुझे शौक, मुझे खुद से शौक है कि मैं एक्टिंग करूं। मैं टिकटॉक पे आऊं, मैं यूट्यूब पे बनाऊं, और मुझे इमरान खान से मिलने का भी बहुत शौक है। अच्छा एक्टिंग करना, एक्टिंग कहाँ से, किसको आइडलाइज करती हो आप? कोई एक्टर या ऐसी एक्ट्रेस है जिसको सीख कर, जिसको देख कर आपने एक्टिंग करनी है, कोई एक नाम बताएं। नहीं मैं किसी को कॉपी नहीं करती अपने। नहीं, पसंद कोई नहीं? नहीं कोई पसंद नहीं है इमरान खान के सिवा। नहीं एक्टिंग का पूछ रहा हूँ मैं। एक्टिंग का नहीं, एक्टिंग में नहीं। महवेश हयात, हरीम फारूक, सज्जल अली, किसी का नाम नहीं आता? नहीं। कोई ड्रामास नहीं देखती? नहीं। अच्छा टिकटॉक पे आप एक्टिव हैं, उस पर भी ज़्यादातर आप पोलिटिकल कॉन्टेंट डालती हैं, तो इतनी ज़्यादा पोलिटिकल अवेयरनेस कहाँ से आई आपको? मेरे मम्मी पापा भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जब वो मुझे तसल्ली देते हैं कि आप कर सकती हो, आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आप हर चीज़ कर सकती हो, तो मुझ में ना एक पावर आ जाती है। हाँ तो फिर मैं उससे हर काम कर लेती हूँ। अच्छा चलें ये बताएं कि लास्ट टाइम आपकी मदर और आपके फादर ने किस चीज़ के लिए आपको मोटिवेट किया था कि ये आपने पॉलिटिकल कॉन्टेंट बनाना है? ये जो अभी हमने आपको सियासत वाला दिखाया था, जिसमें बाबा ने मुझे बताया था ये वाला जो यहाँ पे मैं वज़ीर आज़म कब बनूँगा, आपने देखी होगी, उसमें बाबा ने मुझे बताया था इस तरीके से आपने करना है, इस टाइप की आपने एक्टिंग करनी है। अच्छा एक्टिंग थोड़ी सी करके दिखाओगी मुझे? अभी आती है? अभी मैं भूली हुई हूँ। भूली हुई? कुछ एक आध लाइन बताओ, कोई एक आध लाइन बता दो जो कि कुछ भी करते हैं। मैंने वो जो यहाँ पे मौलवी डीजल सरदारी और वो वाले बनाए हुए थे ना, उसी पे बता दे। चलो आप इन तीनों की शक्लें तो जरा पहले देखे, एक तरफ खतरनाक डीजल, दूसरी तरफ शक्ल से टाकू लगने वाला सरदारी, और तीसरी तरफ ड्रामे बाज शोबाज। अच्छा अच्छा चलो ये बताओ कि इतने बड़े बड़े नामों को आप इसको कॉमिक अंदाज में पेश करती हो, डर नहीं लगता आपको? इमरान खान, उनको इमरान खान से डरना चाहिए, मैं क्यों से डरूंगी। अच्छा ठीक है। तो टिकटॉक पे कब आई थी आप? टिकटॉक पे 2 मंथ्स से हम टिकटॉक रिकवर कर रहे हैं, 2 मंथ्स हो गए हमें टिकटॉक बनाते हुए। अच्छा तो कितने फॉलोअर्स हो गए? 1 लाख 2 मंथ्स में हो गए जी। अच्छा सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो कौन सी थी आपकी? सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो जो है वो ये वाली है जो यहाँ पे अभी मैंने आपको डायल बोल के दिखाई दे। अच्छा सिर्फ इमरान खान के लिए ही वीडियोस बनाती हो या आपका पर्पज़ ये है कि मुझे वायरल होना है, या इमरान खान की सपोर्ट में वीडियोस बनाती हो? इमरान खान के सपोर्ट में भी बनाती हूँ और अपने से भी बनाती हूँ, मतलब फनी कॉन्टेंट हम ज़्यादा ढूंढते हैं, और जो सियासत वाली आजकल ज़्यादा बना रहे सियासत वाली, वैसे भी हमारी फनी फनी बनती रहती है। अच्छा आप बताओ ये मदर से पहले बात करूँ या फादर से? दोनों आपकी मर्जी, आप जैसे। अच्छा चलें फिर थोड़ा पीछे हुए, मदर से बात करते हैं। मैडम ये इतनी ज़्यादा टैलेंटेड बच्ची है, यकीनन आपका ज़्यादा हाथ होगा क्योंकि घर में आप लोग ज़्यादा मौजूद रहते हैं, इतनी छोटी सी उम्र में इसके पास बोलने की वो एबिलिटी है जो हम इस स्टेज पर जाके हासिल करते हैं, तो आप क्या समझ रही हैं बतौर वालदा, क्या समझती हैं कि ये बच्ची जो है वो क्या बनेगी बड़ी होकर? मैं तो भी
कहती हूँ कि स्टडी को साथ लेके चले, डॉक्टर भी या जो भी इसका दिल करता है, और अगर शोबिस वाली साइड पे जाती है तो भी मुझे कोई इशू नहीं है, अल्लाह ताला इसको बस कामयाब करे। एक्टिंग में भी अगर ये कामयाब होती है तो मुझे कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक्टिंग में फिर भी आपने बच्ची को तो कभी किसी का नाम आता नहीं है, आप किसको आइडलाइज करती हैं कि ये मेरी बच्ची इस तरह की एक्ट्रेस बनी है? एक्ट्रेसेस सारी अच्छी हैं, सभी बहुत अच्छी हैं, और मुझे जो है मुझे नीलम मुनीर भी अच्छी लगती है और सज्जल अली भी अच्छी सज्जल अली भी अच्छी लगती है मुझे, तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, तो ये कोई भी एक्टिंग कर ले सर चलेगी, किसी को भी कॉपी कर ले चलेगा। नीलम मुनीर को कभी देखा है, उसकी एक्टिंग को देखा है आपने? ड्रामे में देखा हुआ, रियल में थोड़ी ना देख सकती हूं। रियल में नहीं देखा हुआ? अच्छा, चलो रियल में शायद वो आपकी वीडियो को सुन रही हो। नीलम मुनीर के लिए कोई मैसेज देंगी आप? आई डोंट नो अबाउट इट, मैं क्या मैसेज दूं उनको? तुम पहले मैसेज सोचो, उतनी देर में मैं आपके फादर से बात करता हूं। अच्छा सर, बेटी ने वीडियोस बनाना शुरू की और आपकी एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप अपनी बेटी को सपोर्ट करते हैं खुद से भी, तो बतौर वालिद क्या समझ रहे हैं कि आप जो इस बच्ची में टैलेंट है वो कहाँ तक इसको लेकर जाएगा? इंशाल्लाह मैं तो इसको फुल सपोर्ट इसलिए करता हूँ कि इसके अंदर टैलेंट शुरू से ही था, तो मैं तो मुझे लगता है कि बहुत आगे जाएगी इंशाल्लाह और बहुत बड़ी यूट्यूबर बनेगी। बाकी ये जो बनना चाहेगी मैं इसके साथ हूँ, अगर ये इस साइड पे मीडिया की साइड पे आना चाहेगी मैं तब भी इसके साथ हूँ, अगर ये डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बनना चाहती मैं तब भी इसके साथ हूँ। सोचा नीलम मुनीर के बारे में? मैं बस ये कह सकती हूँ कि आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। और ये परीशे थी और पूरी फैमिली के साथ इन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू की। इनके साथ बात करने का मकसद ये था कि जैसे मैंने इनके फादर से सवाल किया कि ये उस स्टेज पर इतने ज़बरदस्त कमेंट करती हैं हर टॉपिक पर, जो एक एक उम्र में जाके बंदा कॉन्फिडेंस हासिल करता है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये नन्ही बच्ची पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और अपने माँ बाप के का नाम रोशन करने के लिए यूं ही काम करती रहेगी, और इसकी जो वीडियोस हैं चाहे वो टिकटॉक पर हो या फिर यूट्यूब पर हो, लोग इसको यूं ही पसंद करते रहेंगे।